सर ये कल 10 सितंबर 6:30 बजे के करीब की बातें हैं, जिसमें कि मतलब अचानक से एक साथ पहले 7 लोग, उसके पीछे फिर सात आठ ऐसे करके लगभग 20 से अधिक लोग हमारे संस्थान में घुसते हैं। हम उनको पानी वगैरह के लिए बोलते हैं, जैसे कोई भी गेस्ट, हमें लगा गेस्ट ही है कोई, तो पानी वगैरह हमने पिलाया। तो वो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम पीछे, वो उससे पहले 4 सितंबर को भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई उस समय हम लोग 50 लाख रुपए की मांग करके गए थे और तुम गुंडे करके तुमने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, अब गाली गलौज करने लगे, बोले अब 1 करोड़ रुपए चाहिए। फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया 112 को। लगभग लगभग आधा घंटे के करीब वो रहे, उन्हें ना कोई खौफ था, ना कोई पुलिस, ना कानून कानून व्यवस्था, सबको गालियां दे रहे थे। तो इवन पुलिस वाले आए, दो पीआरबी वाले बेचारे, उनमें एक एजेंट थे, उनको भी वो गालियां दे रहे हैं। शायद आप इन्हें जानते हैं, ये सोशल मीडिया पर फेमस कोचिंग टीचर विवेक कुमार। जी हाँ, वही विवेक कुमार जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को लेकर खूब चर्चा में आए थे। आजकल प्रयागराज में नई कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन दिन दहाड़े इनके कोचिंग में कथित गुंडे घुस जाते हैं। बुलडोजर राज में गुंडे सरेआम धमकाने लगते हैं, ना चेहरे पर कोई गमछा है, ना पहचान छुपाने का कोई डर है, सीधे धमकी दे रहे हैं कि 1 करोड़ दे दो वरना देख लेना। विवेक कुमार ने खुद को बचाने के लिए पुलिस को फोन किया, लेकिन आधे घंटे तक कोचिंग में गुंडे तांडव करते रहे, गाली देते रहे, धमकी देते रहे। बकौल विवेक कुमार, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर हेल्प मांगी, तब जाकर पुलिस पहुंची। सर ये कल 10 सितंबर 6:30 बजे के करीब की बातें हैं, जिसमें कि मतलब अचानक से एक साथ पहले 7 लोग, उसके पीछे फिर सात आठ ऐसे करके लगभग 20 से अधिक लोग हमारे संस्थान में घुसते हैं। हम उनको पानी वगैरह के लिए बोलते हैं, जैसे कोई भी गेस्ट, हमें लगा गेस्ट ही है कोई, तो पानी वगैरह हमने पिलाया। तो वो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम पीछे, वो उससे पहले 4 सितंबर को भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई उस समय हम लोग 50 लाख रुपए की मांग करके गए थे और तुम गुंडे करके तुमने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, अब गाली गलौज करने लगे, बोले अब 1 करोड़ रुपए चाहिए और बता कब दे रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे सर? पता नहीं, वो उनका रंगदारी तो होने लगी होगी कि कोचिंग अभी खुली है, इसके पास दिल्ली से आया है, पैसा वैसे है तो इससे मतलब लेते हैं, जैसे भी उनका अपना होगा। तो उन्होंने बहुत ज्यादा फिर गाली गलौज करनी शुरू की बहुत ज्यादा। फिर मैंने कहा भाई गालियां क्यों दे रहे हो, ऑफिस में आप, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 11th 12th वाले, एनडीए वाले मैम लोग थी सब लोग। तो फिर वो मारपीट को तार हो गए डराने के लिए, एक मृत्यु बैट बैट उठा लिया। तो फिर थोड़ा सा स्टाफ था, फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया 112 को। लगभग लगभग आधा घंटे के करीब वो रहे, उन्हें ना कोई खौफ था, ना कोई पुलिस, ना कानून कानून व्यवस्था, सबको गालियां दे रहे थे। तो इवन पुलिस वाले आए, दो पीआरबी वाले बेचारे, उनमें एक एजेंट थे, उनको भी वो गालियां दे रहे हैं, वो उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसके सामने ही वो मुझे मारने के लिए दौड़े बैट लेकर। तो फिर और जब ये ट्वीट वगैरह मैंने किया, तो उसको देखकर लोकल जो पुलिस है वो आई, उनके एक इंस्पेक्टर वगैरह आए, एक दो पुलिस वाला बोले कि, फिर उन्होंने उनको बाहर किया, फिर रात उन्होंने मुझसे तहरीर ली और मुकदमा दर्ज किया। विवेक कुमार के साथ दिन दहाड़े फिरौती मांगने की घटना के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। लेकिन सवाल ये कि जिस प्रकार से यूपी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कर रही है, वहां गुंडे इस खौफ को हवा में उड़ा रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।